बिग बॉस OTT 3 के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर घर के सभी कंटेस्टेंट्स गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर दीपक और अरमान की लड़ाई हो जाती है। वह दीपक यहाँ पर अरमान पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि वो उनकी टांग का मजाक उड़ा रहे और उनकी टांग को देखकर आंख मारते हुए हंस रहे थे। दीपक यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए कि वो काफी दिन से ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब भी दीपक कुछ बोलते हैं तो अरमान को उसके बाद कुछ न कुछ बोलना जरूरी है और उसके बाद वो सफाई देते हैं। वहीं यहाँ पर दीपक ये भी कहते हुए नजर आए कि अरमान को एडवांटेज मिल रही है कि उनके साथ उनका मेंटल पीस यानी कि उनकी दो बीवियां आई हैं जो कि उनका सपोर्ट सिस्टम बन चुकी हैं। अरमान और दीपक की इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ती है यहाँ पर दीपक गुस्से में आकर काफी सारे वर्ड्स का भी यूज करते हैं जिन्हें म्यूट कर दिया जाता है। वहीं दीपक ये भी कहते हुए नजर आए कि अरमान अगर उनके ऑफिस में आने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर 2 किलोमीटर पहले भी उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अरमान भी इसका जवाब देते हैं कि अगर वो भी उनकी बिल्डिंग में आना चाहेंगे तो कोई भी उन्हें एंट्री नहीं देगा। दीपक कहते हैं कि वो उनकी बिल्डिंग में आएंगे ही क्यों। ये लड़ाई बढ़ती जाती है। वहीं शिवानी भी दीपक की तरफ से इस लड़ाई में कूदती हुई नजर आती है और कह रही होती है कि यहाँ पर अरमान जो है गलत है, अरमान की बातें उन्हें भी बुरी लगती हैं। यहाँ पर कृतिका और पायल दोनों भी दीपक और शिवानी से लड़ती हुई नजर आती है और ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर रणवीर और नीरज इस लड़ाई को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं लेकिन शिवानी और दीपक नहीं मानते। उसके बाद अरमान इस लड़ाई को छोड़कर दूर जाते और बाद में वापस आते हुए भी नजर आते हैं। पहले यहाँ पर अरमान कहते हैं कि अब उनके लिए दीपक इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये बात नीरज को काफी बुरी लगती है। पर आपका दीपक चौरसिया और अरमान के बीच में हुई इस लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।